नमस्कार, पेंटिंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम थालपोश की डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है एक कपड़ा, एक फ्रेम, एक ट्रेसिंग पेपर, एक कार्बन पेपर, एक पुराना कपड़ा, गोल्डन डस्ट उसमें मिक्स करने के लिए, ये मीडियम नंबर वन पेंसिल इरेजर, ये दो ब्रश, ये एक जीरो नंबर की है और ये फ्लैट ब्रश दो नंबर की है। मिक्स करने के लिए एक बर्तन, पानी से भरा हुआ एक बर्तन। सबसे पहले हमने कपड़े को धोकर सुखाकर प्रेस कर लिए और जितना बड़ा हमें थालपोश चाहिए उतना बड़ा कट करके बाहरी किनारे को हमने मोड़ लिया है और उसके ऊपर लेस लगा ली है। एक ड्रेसिंग पेपर के ऊपर हमने एक डिजाइन बना लिया है। ये देखिए, आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। और उसके बीचों बीच जो ये थालपोश है इसका सेंटर निकालकर इसके ऊपर हमने इसको रखा कार्बन पेपर की मदद से। इस डिजाइन को हमने इसके ऊपर बना लिया। गोल्डन डस्ट को हमने इसके अंदर लिया और इसके अंदर मिलाया ये मीडियम नंबर वन और मिक्स करके ये तैयार कर लिया हमने। अब हम इसमें बनाना शुरू करते हैं। ये डिजाइन की जो बड़ी वाली कली है इस पे हमें ये फ्लैट ब्रश की मदद से इधर बाहर लगाया और फिर देखिए ऐसे अंदर की तरफ इस तरह फैलाते चले गए। पहले भी बताया है सिंपल शेड। इस तरह किनारे पर लगा के और जब ये गीलाई हो तभी हम इसको इस तरह अंदर की साइड फैला देते हैं। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया है और पूरा ये जो बाकी जो ये कलियां हैं इनको भी हमने इसी तरह बनाया है। अब हम इसको बनाएंगे। ये जो साइडों का ये हमने एक छोड़ा हुआ है इसको इसी तरीके से इसको भी, ये भी थोड़ा बड़ा है तो इस पे भी हमने इसी ब्रश की मदद से इसको बनाया है।
अब ये बारीक है ये वाला हिस्सा, तो इसमें अब हम छोटे ब्रश इनकी मदद से सिंपल तरीके से भर लिए हैं। अब हम इनमें भरते हैं, इनमें भी वैसा ही तरीका। ये जो साइडों में है इनमें और इनमें सिंपल तरीके से भर लेते हैं। अब हम बीच में भरेंगे, ये जो हमने गोला बीच में छोड़ा हुआ है, तरीका वही है। इसमें भी किनारों पे ऐसे लगाया और इस तरह से फैला दिए, जैसे हमने अभी तक करते आए हैं ना इन पत्तियों में कलियों में, इसी तरह। इस प्रकार हमारा ये थालपोश कंप्लीट हो चुका है। एक ही कलर से बनाया है फिर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी बनाइए, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।